नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कांग्रेसी नेताओं द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रायपुर आगमन पर दिए जा रहे बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि 7 जुलाई को जन जन के नेता और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री रायपुर आ रहे हैं। उनके आने की आहट से ही कांग्रेस के नेताओं में घबराहट होने लगी है और उसी घबराहट में कांग्रेस के नेता बेतुका बयानबाजी कर रहे हैं। 7 जुलाई को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और नए भारत के निर्माण की ओर तेजी से बढ़ते हुए कदम, ऐसे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जन जन के नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आ रहे हैं। उनके आने की आहट से ही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और यहाँ के कांग्रेस के लोगों में घबराहट होने लगी है। उनकी आने की आहट से ही वो उलझलूल बयानबाजी करने लगे। हम कांग्रेस के लोगों को और छत्तीसगढ़ की जनता को भी बताना चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण भारतीय जनता पार्टी ने किया है। छत्तीसगढ़ राज्य के अगर कोई निर्माता हैं तो ये देश के पूर्व प्रधानमंत्री जन जन के नेता आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी हैं। इस बात को यहाँ के कांग्रेस के लोगों को नहीं भूलना चाहिए और छत्तीसगढ़ के विकास की गाथा छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण के साथ ही शुरू हुई है, लेकिन आज कांग्रेस के लोग मोदी जी के आने के सूचना से ही लगातार बेतुका बयानबाजी कर रहे हैं। जबकि जो भारत की सरकार ने, केंद्र की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार को, भूपेश सरकार को जितना दिया है उसमें भारी भ्रष्टाचार इन्होंने किया है। चाहे वो जल जीवन मिशन हो, चाहे वो शौचालय का मामला हो, चाहे वो गरीब अन्य योजना हो, जितनी योजनाएं भारत सरकार की चल रही है, चाहे वो हितग्राही मूलक योजना हो या विकास की योजनाएं, प्रधानमंत्री आवास, भारत सरकार के जो राशि भेजी है उसको अन्य मद में खर्चा करना, उसमें भारी भ्रष्टाचार करना, जल जीवन मिशन भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। भारत सरकार ने, केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने जो पैसा भेजा है उसका सदुपयोग ये छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार नहीं कर पा रही है और कांग्रेस के लोगों को हमें कहना चाहते हैं कि जितना मोदी जी की सरकार ने भेजा है उसका आभार व्यक्त करें। मोदी जी ने आज सिर्फ छत्तीसगढ़ नहीं, देश का मान सम्मान और स्वाभिमान पूरी दुनिया में बढ़ाया है। हम 7 जुलाई को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आगमन पर हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद।